श्री कृष्णा, दिस इज योर शामली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फेस्टिव सीजन चल रहा है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट लेट स्टार्ट अ फेस्टिव सीरीज। तो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फेस्टिव सीरीज। बहुत सारे ओकेशंस आने वाले हैं हमें एथनिक वियर कैरी करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो अ फर्स्ट एवर आई गेस एथनिक हॉल होना चाहिए। नहीं, मैंने एक साड़ी वाला वीडियो किया था, हॉल किया था इससे पहले मीशो से। सो दिस वीडियो इज गोना बी मिंत्रा शरारा सेट हॉल। बहुत ही प्यारे प्यारे क्यूट एंड कंफर्टेबल पीसेस है, इतने कंफर्टेबल, इतने स्टाइलिश और बहुत ही प्रिटी प्रिटी पीसेस हैं। सो लेट्स नॉट डिले एंड जंप ऑन टू द वीडियो। सबसे फर्स्ट है बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉटन कुर्ता शरारा शर्ट, और ये मुझे पड़ा है 989 रुपीस का। इसका साइज जो मीडियम से ही स्टार्ट था, मैंने मीडियम साइज ही मंगाया तो मुझे साइड से थोड़ा बहुत लूज लगा माइनर, बट ओवरऑल इफ आई कैरी तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि ये थोड़े ढीले ढाले ही रहते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये बिल्कुल बॉडी हगिंग वाले ही होने चाहिए, तो ये ऐसे ही बहुत प्यारे लगते हैं। ये ना मुझे पिक्चर में इतना प्यारा लग रहा था, आई वॉज लाइक कि बहुत प्रिटी लग रहा पहन के। मैंने इसको चांद वाली इसके साथ पेयर किया है, पहन के इतना प्यारा लग रहा है ना। फैब्रिक कॉटन है तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल और लाइट वेट है ना ये, और कोजी वाइब आ रही है मुझे इसको पहनने के बाद। नेकलाइन भी बिल्कुल डीप नहीं है, ये स्लीवलेस है और इसके साथ स्लीव्स अटैच नहीं आई है। दिस इज वेरी लाइट वेट। इसका प्रिंट और कलर स्पेशली मुझे इतना पसंद आया। दिस इज फ्रॉम ब्रांड कालिनी और मीडियम के अलावा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और डबल एक्स्ट्रा लार्ज भी अवेलेबल। इसका एम वस्ट है बेसिकली 38, तो वो ऑलरेडी काफी ढीला ढाला टाइप का ही आ रहा है। तो अगर मुझसे आप थोड़े से हेल्दी भी है ना, तो यू डोंट नीड टू गो फॉर अ वन साइज बिगर, आपको ये साइज बहुत प्यार से फिट हो जाने वाला। इसके साथ चुनरी नहीं आई है, सिर्फ शरारा और कुर्ते का पेयर है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप इसको एज अ बोहो फ्रॉक, फ्रॉक जो एथनिक फ्रॉक ड्रेसेस नहीं होती बोहो पैटर्न में, कुछ उस तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो, बोहो फ्लैट्स या फिर बूट्स। प्रॉपर एक्सेसराइजेशन के साथ काफी अच्छे बोहो लुक्स भी देगा। सो दिस इज अ वेरी टू इन वन थिंग। ओके, सो मिंत्रा पे इसे 4.1 का रेट दिया गया, लेकिन मैं इसे 4.5 का रेट करूँ। द नेक्स्ट ब्यूटीफुल पीस इज फ्रॉम स्टाइलम। ये मुझे पड़ा है कुछ 917 रुपीज का, और ये है 3-पीस सेट। इसमें शरारा और कुर्ता प्लस चुनरी भी आई है। तो ये पीस ना मुझे थोड़ा सा डाउट था, मुझे लगा टू मच कलर लगेगा, पिक्चर्स में देख के अच्छा लग रहा था, देन आई वॉज लाइक लेट्स गो फॉर। और ये पहन के इतना प्यारा लग रहा था, फुल नवरात्रि वाइब दे रहा था ये मुझे पहन। यस, बट इट हैज दिस एडजस्टेबल हुक ऑन द शोल्डर, स्ट्राइप्स दी हुई है इसमें, स्लीव्स वाला डिजाइन नहीं दिया, उसके साथ स्लीव्स आई भी नहीं क्योंकि इसका डिजाइन ही ऐसा है। एंड ये इसकी फ्रॉक में लगा हुआ है नीचे गोटा, लेट मी शो यू, जो भगवान वगैरह की पोशाक में नहीं लगे होते हैं, कुछ वैसा गोटा लगा हुआ है इसमें। ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट और प्यारी चुनरी है। लाइक मैं इसको जब नेक में कैरी कर रही हूँ ना, जो जैसा इसका डिजाइन है उसके साथ इसको नेक में कैरी करूँ तो पहन के बहुत ही प्रिटी लगता है। चुनरी पर भी दोनों साइड इसमें दिया हुआ है गोटे का डिजाइन। सो या एंड दिस इज द शरारा, और ये इसमें इलास्टिक आया हुआ है और नीचे से वही शरारा वाला जो घेर है वो दिया हुआ है, और इसमें भी गोटा लगा हुआ है। इफ यू सी फर्स्ट सेकेंड और नीचे दिया हुआ है, तो इसमें भी पूरा गोटा लगा हुआ है। सो इसका मैंने मंगाया हुआ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज और मुझे परफेक्टली फिट हुआ है, कहीं से भी लूज या टाइट कुछ भी नहीं आ रहा, पहन के काफी कंफर्टेबल और कोजी वाइब दे रहा है। यस, इसका फैब्रिक है विस्कस रेयन। लोगों ने इसको 4.5 रेट किया है, लेकिन मैं इसे पूरा 5 रेट करूंगी क्योंकि ये पीस पहन के बहुत प्यारा है, इसकी फिटिंग, इसका कम्फर्ट जोन A+। गाइज आई एम सो सॉरी, धूप बार बार आ जा रही है, शाम का टाइम होगा, इट्स 5 o'clock इवनिंग, तो किसी लाइट थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। वेरी ब्यूटिफुल कॉटन पीस, लाइक कॉटन फैब्रिक शरारा सेट, और ये बहुत ही प्यारा सा कलर। दिस इज फ्रॉम यूरिस ब्रांड और मुझे पड़ा 1175 रुपीज का। मुझे इसकी चीज जो अच्छी लगी वो ये कि इसका प्रिंट और कलर इतना लाइट और एस्थेटिक, बहुत ही प्यारी वाइब दे रहा है। डिटेलिंग जो मुझे और अच्छी लगी कि इसमें आप जो देखोगे व्हाइट कलर की जो लेस टाइप की लगी हुई है नेक पे ना, इतनी प्यारी लग रही है वो। बैक साइड से इसके नेक की जो लेंथ है थोड़ी सी
ज्यादा है एज पर द फ्रंट साइड, जैसा बैक साइड होता है। और बांधने के लिए ये भी आया, इसकी लेंथ काफी सही आई है, कुर्ता काफी छोटा नहीं है। दिस इज ऑल्सो थ्री पीस सेट, बहु एथनिक ड्रेस जो होती है बहुत ही प्यारी बनेगी। दिस इज ऑल्सो टू इन वन ड्रेस, शरारा का प्रिंट भी सेम ही है इफ यू सी। लेंथ सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे ना सबकी लेंथ बिल्कुल परफेक्ट आई है। मैंने मंगाया हुआ इसमें स्मॉल साइज, इसके चुनरी में एक डिफरेंट चीज दी हुई है वो ये कि ना लटकन टाइप से कुछ वैसे स्टिच हैं, चारों कोनों पर स्टिच हैं, तो काफी प्यारा लगा मुझे। मैंने इसको भी चांद बाली जो अपनी बोहो फ्लैट्स के साथ स्टाइल किया है, किया गया 4.4 और मैं इसको भी 5 रेटिंग देने वाली हूँ। मुझे सर कपड़ा ऐसा लग तो नहीं रहा है कि इसका कलर निकलेगा, बट स्लोली स्लोली इट विल गेट फेयर। तो मैं एक आपको सजेशन देना चाहूंगी, जो कॉटन क्लोथ होते हैं ना, आप उनको उतनी ज्यादा तेज धूप में ना सुखाएं, कपड़ों को उल्टा करके तब धूप में सुखाएं डालें, जिससे उनका ओरिजिनल कलर प्रिंट जो होता है ना वो फेड ना पड़े। कॉटन क्लोथ्स में ऐसा मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम नहीं हमेशा होता है, तो मेक श्योर यू रिमेम्बर दिस टिप। नेक्स्ट वन वी हैव वेरी ब्यूटीफुल रेड कलर का कुर्ता प्लाजो एंड दुपट्टे का सेट, थ्री पीस सेट है ये भी, और ये है फ्रॉम इन वीव ब्रांड और मुझे पड़ा है 1495 रुपीस का। इसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, ये प्रॉपर शरारा सेट नहीं है, प्लाजो सेट है, इसकी चुनरी प्रिंटेड है, ये पूरा प्लेन है, ये फुल जो फ्रॉक गाउन टाइप में होता है ना, फुल नीचे तक लेंथ दी हुई है इसकी। यस, इसमें एडजस्टेबल तो नहीं दिया हुआ है, इसका स्ट्राइप भी नहीं है, इसकी स्ट्राइप की लेंथ की आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगे, यू कैन कैरी दिस थिंग। इसको कैरी करने का प्लाजो नीचे से ना इतना ही दिख रहा है, इतना ज्यादा लेंथ है इसका फुल। मैंने मंगाया एक्स्ट्रा स्मॉल साइज और इसका फैब्रिक का विस्कस रेयन काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, पूजा एंड ऑल के लिए काफी सही हो जाता है, और अभी इतने सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो मुझे लगा कि काफी परफेक्ट पीस है। दिस इज एक्चुअली प्लाजो ओनली, और साइड से इसमें चेन भी आया हुआ है कैरी करने के लिए, बट उसका आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्टली भी इसको कैरी कर पा रही थी। फ्रंट साइड से इसका बेल्ट दिया हुआ है और बैक साइड से इसमें दिया हुआ है इलास्टिक, और ये प्लाजो पैटर्न में इफ यू सी, जो वाइड लेग जीन्स टाइप के नहीं तो ऐसा प्लाजो, कुछ वैसा ही प्लाजो पैटर्न है इसका। इसको भी आप सेपरेटली एथनिक ड्रेस की तरह स्टाइल करोगे तो बहुत फिट लगेगा, और एज अ पेयर आप स्टाइल करोगे तो वो तो लगेगा ही बहुत प्यारा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी मल्टी स्टाइलिंग थिंग, डबल डबल है ये, इसकी लेंथ भी काफी सही आई है। इसके एक्स्ट्रा स्मॉल का साइज 34 दिखा रहा है, लेकिन मुझे पहन के काफी अच्छे से फिट हुआ है। हाँ हाँ, मुझे वेस्ट साइड पर लगा कि थोड़ा सा अगर थोड़ा फिटिंग का वहां होता तो ज्यादा अच्छा लगता, और लोगों ने इसको रेट दिया 4.3 और मैं 4.7 दूंगी। अब बारी आती है बहुत ही प्यार से ब्यूटीफुल चटक मजेंटा पिंक कलर के शरारा सेट की, जो कि अगेन है फ्रॉम इन वीव और मुझे पड़ा 1847 रुपी का। इसका डिजाइन काफी स्टाइलिश और थोड़ा डिजाइनर लगा मुझे, तो मुझे इसलिए अच्छा लगा। ओके, सो दिस इज अ बैकलेस काइंड ऑफ थिंग, तो द वन हु कैन कैरी बिट एक्सपोजिंग ड्रेसेस, ये उनके लिए है। सो फ्रंट साइड से इसमें जो नेक का डिजाइन दिया रहता है कि आप नॉट कर लो ऊपर जाकर, कुछ वैसा दिया हुआ है, तो पहन के काफी सही आया। इसका मैंने मंगाया है शायद से एक्स्ट्रा स्मॉल साइज, इसमें इलास्टिक दिया हुआ है, फैब्रिक काफी सही है, बिल्कुल भी थिन नहीं, इसमें डबल लेयर दी हुई है फैब्रिक की, इफ यू सी डबल लेयर दी हुई है। इसका जो चिकनकारी टाइप का डिजाइन है कुछ उस तरीके से, तो बहुत ही प्रिट लगा, और इसका इसके कुर्ते का लेंथ इतना इनफ है, नी तक आ रहा है, कि आप इसको एज अ वन पीस भी जब कैरी करोगे ना तो काफी सही लगेगा। दिस इज ऑल्सो टू इन वन ड्रेस, और इसका जो शरारा सेट है दैट इज बैक साइड से इट इज हैविंग इलास्टिक, और फ्रंट साइड से इस पे दिया हुआ है बेल्ट, एंड नीचे से तो ऊपर तो कपड़ा दिया हुआ है, उनसे शरारा सेट पर जो चिकनकारी कुर्ते में जो थोड़े होल्स वाला डिजाइन दिया रहता है कुछ वैसा है, और नीचे से भी इसका डिजाइन कुछ ऐसा ऐसे लेस सी बनी हो। इसका भी फैब्रिक का विस्कस रेयन, इसको भी मैंने मेरी चांद बालीज के साथ ही स्टाइल किया हुआ है, बट आप कुछ यू नो ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी भी कैरी करोगे इसके साथ तो वो भी बहुत प्रिट लगेगा, हाथों में कुछ बैंगल्स एंड बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा लुक लगेगा। ऑलराइट, तो इसमें भी काफी सारे कलर प्रिंट्स अवेलेबल दिए हुए हैं, जो सबसे अच्छा ये लग रहा था, और इसमें मैंने एक कलर और मंगाया है विच इज आर लास्ट पीस, जो कि मैं नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ, और लोगों ने से किया है 4.3 रेट, लेकिन मैं से करूंगी 4.8 रेट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज आई मेंशन कि मैंने सेम कलर मंगाया, मतलब डिफरेंट कलर मंगाया सेम पीस में, तो ये पिंक के जैसा, मैं बहुत कंफ्यूज थी पिंक और ऑरेंज में, तो ऑरेंज थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, देन आई वाज लाइक कि लेट्स हैव अ ट्राई, पहन के कैसा लगेगा, पहन के प्यारा लग रहा है, अजीब नहीं लग रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है।
इसका ना एक साइज बड़ा आया, इसका मैंने मंगाया स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं, क्योंकि इसका एक्स्ट्रा स्मॉल आउट ऑफ स्टॉक था उस टाइम पर। मुझे लगा था कि साइज बड़ा है तो अजीब आएगा, नहीं, मुझे वैसे पहन के तो काफी सही आ रहा है, इसकी लेंथ भी काफी सही आ रही है, लेकिन मुझे नेकलाइन थोड़ा सा लगा कि थोड़ा ज्यादा डीप जा रहा है, माइनर। मुझे लगा था इसका एक साइज बड़ा है तो इसका शरारा सेट नहीं आएगा, बट थैंक गॉड इसकी एक चीज अच्छी है कि पिंक वाले में फ्रंट साइड बेल दिया था और बैक साइड इलास्टिक दिया हुआ था, जिस वजह से वो फिट आ रहा था साइज का होने के बाद। और इसका एक साइज बड़ा है, मुझे इसका प्लाजो फिर भी फिट आ रहा है क्योंकि इसमें दोनों साइड इलास्टिक दिया हुआ है, तो काफी अच्छे से ग्रिप बन रही है उसकी वेस्ट पर। इसका भी फैब्रिक है विस्कस रेयन, और अगेन ये भी टू इन वन पीस है, लाइक आप इसके फ्रॉक को, मतलब इसके सूट को एज अ डिजाइनर वन पीस कैरी कर सकते हो, बहुत ही सही डील है। तो इसको 3.7 का रेट किया गया, आई डोंट नो इसका रेटिंग पिछले वाले से थोड़ा कम क्यों है, बट मुझे ये ओवरऑल सही है क्योंकि इसका साइज मैंने बड़ा ही मंगाया था तो थोड़ा बड़ा ही आया, इसलिए मुझे नेक थोड़ा सा ज्यादा डीप जा रहा है, बाकी पीस बहुत सही है। तो मैं भी इसको सेम 4.8 दिया था ना मैं लास्ट वाले को रेट में, उतनी ही रेट करूंगी इसको। हे गाइस, आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो बिकॉज काफी प्यारे, कोजी, कंफर्टेबल, क्यूट, कलरफुल और बहुत ही प्यारे टू इन वन मल्टी स्टाइलिंग पीसेस थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, नेक्स्ट वीडियो मुझे आपका भी कोई डिमांड तो बता सकते हो कि इस फेस्टिव सीरीज का सेकंड एपिसोड में आपको किस चीज का हॉल चाहिए है। एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, एंड आई रियली होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू, सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।